उस लड़के रोहतास का सिर्फ लड़का रानी बदलाव जाती बाग के अंदर उधर से बाग का माली आया, कहने लगा कि तू कौन है अकरम? मैं तो बेवारिश हूं, मेरा लड़का आया था बाग में फूल तोड़ने के लिए, इसका सिर्फ लड़का तो उसको धमकाता है मारी, अब इसको ले जा, इसका अंतिम संस्कार कर दे। तो किस तरह से वो रानी उस लड़के को केले के पत्ते में लपेट कर और शमशान भूमि चली जाती है। तो ये सोचती है कि इसका अंतिम संस्कार करने के लिए तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, विलाप करती है रानी। और किस तरह से उस लाश के पास बैठ कर क्या क्या कहती है पंडित जी ने क्या बताया? दुख की तो बात है, दुख घना है,
और थोड़ी ही देर हमारे बांस आन लाग जाएगी, जो सड़ जाएगा इसने ठा ले जर अपना का संस्कार कर। कोई फायदा नहीं रोन दौड़ते, रोड़ा मचान तो कोई फायदा को ना, जो खेल था वो खत्म हो लिया के दर है। इसकी करक्रिया अपने की पूरी संभाल अपने ना, ये कुछ नहीं समय रो मत ने समझा ले अपने आप को। वो भाग का माड़ी मतना उसको क्या कहता है। जो जीते का टाइम था वो बीत लिया, ये मुर्द है, इसको ले जाने में दफनाने में कादे में फायदा है। और तू तो सह के बड़े बड़े होकर चले गए, वह निकट जाए ले जाए अखशार बना दिए मालक और बेकारी, जैसे जैसे कोई कुमार बनावे माट मट करने जारी, गड़े गड़े पुतले अलग टेक दे चतन करे कुमारी, चतन करे कुमारी, फिर कोई पाक जा सोती मैं मन पूरी करी ना, ओ इस
सोती मैं पूरी करी ना। यार सी करनी डरेगी कौन खींच के काटन लग्या मेरी जान फंद मैं फैगी वट रोटी जा Let's get it.
मेहरबानी थी और वो आदमी हलवा था वो चोर बड़ी क्या करने कि वो दल का भी थोड़ा मेरा एक ऐसा कमजोर दल का था कि वो चोर बड़ी गया तो उसने देख लिया और घर ने तो चोर बड़ी गया और वह सारे खाट घाल रही अपने सोए और वो कमजोर दल का तो था आवाज ऊंच भी चंपाटी ने डर गया यार के करूं चोर बढ़ गया रे तो अच्छा रास्ता होया फिर सारे तो थी हाथ लाया मैंने सुना है के मेरी हाथी है मेरी सुना है कि सुनो तू बोल के है के है मेरा चोर बढ़ गया करूं मैं तो मेरी है मेरा चोर बढ़ गया मेरी उसने भी देख लिया कहां चोर बढ़ गया जो रहा रुक जाए एक मिनट रुक जाए ना आ जाने देखता कि मेरी खाट सारा आएगा जागा भी कर तो उसने भी बढ़िया डाल चौकस होगी चौकस थी ये हड्डी थी चोर भी बहुत आया था पर दिल था कि वो सारे का जब लकड़न लग गया कि खाट का गाऊ बीरबानी ने पकड़ के कलर है और खाट पे घेर लिया ऊपर गई बैठ वो चोर बोता था उन्हें सोचा यार जब मार पटाई हो जाए तो भी देखी जाए या ऊपर बैठ गई हूं जी लकड़ेगा वह निबड़ी तू सुना है निबड़ा सुनू निबड़ा तू न्यू करे भाज की चौकी में जब साइड दे बुला के लिया पुलिस आला ने वो खड़ा हो यार वही गाऊंगा देखे फिर वह चोर ने पकड़ रही न्यू चोरी करता अंड है देखू एकदम कम मारे भी और इतना वो देखा तो वो भी उड़ा हंडन लाग रहा निबड़ी गया नहीं है तू चौकी में निबड़िया चप्पल ना पाई वो चोरता वाला है निबड़िया भाई चप्पल मेरी पैर जाता वाला जार ना मन मारा गया तो भाई वो जयपाल तो इतना ढाटा है यो मन न मारेगा उधर के सड़ा पड़ा था आग लिया ही 10-15 डंग रखे वो बाप का माली उसने समझाता है निबड़िया बहू मान जा बच्चों ने सने सहित अपना प्रेम दिया दोनों को बार बार आशीर्वाद है तेन बुला के वह थोड़ी डामा डोल भी हुई जब वो हाथ लाया रो तास के वह मारी ने पकड़ी मिला डामा डोल मतो नहीं तो शमशान घाटता है पूछे कुने तुम्हारे पागल हो गए तू और गए लाज हो जाएगी और मेरी बात सुने वो माली क्या समझाता है
भाई वेद प्रकाश 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं। भाई साहब को बार बार धन्यवाद। गुमनाम है कोई,